हेलो फ्रेंड्स, आई एम मौमिता एंड वेलकम टू माय गार्डन एंड वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत ब्यूटीफुल पोर्टुला का फ्लावर्स के साथ, जो अभी इस गर्मी में बहुत ही अच्छी तरह खिल रहा है एंड यही तो सीज़न है इसका खिलने का, क्योंकि समर में बहुत अच्छी तरह पोर्टुला का खिलता है। बट आज के वीडियो के टॉपिक है हमारे एक्जोरा, जिसको हम लोग बंगाली में रंगून कहते हैं और अलग अलग जगह में इसका लोकल नेम अलग अलग होता है। एंड डिफरेंट कलर्स में इसका फ्लावर्स आता है, रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट एंड डिफरेंट वैरायटी में होता है। कुछ प्लांट ड्वार्फ वैरायटी में आता है तो कुछ प्लांट थोड़ा बड़ा वैरायटी में आता है, जिसका लीव्स थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। एंड बट केयर लगभग एक ही है। एंड एक्जोरा परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है। तो आप ऐसे जगह इसको रखिए जहाँ पे इसको सनलाइट अच्छी तरह मिले। बट अभी तो टेम्परेचर 42-43 है हमारे यहाँ तो है, तो इस गर्मी में इसको 4 आवर्स के सनलाइट इनफ है। सुबह से शाम तक के सनलाइट ज़रूरत नहीं है, उससे आपका फ्लावर्स, लीव्स, ये सब बर्न हो सकते हैं। तो 4-5 आवर्स सनलाइट अभी तो काफ़ी है। एक्जोरा के साथ एक प्रॉब्लम होता है, वो है इसका फ्लावर्स कम आता है या फ्लावर्स नहीं आते, तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो एक्जोरा को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, थोड़ा एल्कलाइन सॉइल हो जाता है तो इसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो लीफ का पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, लीफ्स थोड़ा येलोइश हो जाता है एंड कभी कभी उसके वजह से भी इसको फ्लावर्स नहीं आता है। तो उसके लिए आपका सॉइल एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी इस टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम जब फेब्रुआरी के स्टार्ट में मिक्स फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट एंड सरसों का ली एक साथ मिक्स करके प्लांट में सॉइल में दी थी। बट और मार्च में 15 डेज के इंटरवल में सरसों का ली का लिक्विड फर्टिलाइजर में यूज़ की थी। बट अभी इतना गर्मी है, मैं सब बंद कर चुकी हूँ, सरसों का ली का लिक्विड फर्टिलाइज़र में बंद कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको अगर प्लांट में फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, गोबर खाद बिल्कुल नहीं, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके वर्मी कंपोस्ट से आपका प्लांट में मल्चिंग भी हो जाएगा और न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। और किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अभी यूज़ कर रही हूँ सभी प्लांट में, और मेरे सभी समर प्लांट्स में अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र से। और इसका सॉइल एसिडिक बनाने के लिए अब चाय का जो लीव्स होता है, जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो लीव्स को सुखा के आप यूज़ कर सकते हैं, या किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जब यूज़ करते होंगे तब उसमें नींबू के छिलके भी आप डाल सकते हैं। इससे आपका प्लांट का जो सॉइल है वो थोड़ा सा एसिडिक बन सकता है। ये हमारा घर का नुस्खा है और घर का नुस्खा हमेशा प्लांट्स के लिए काफ़ी है। और एक्जोरा में हमेशा न्यू ब्रांचेस में ही फ्लावर्स आते हैं, तो जब भी आपका फ्लावर्स सूख जाए, फ्लावर्स ख़त्म हो जाए, तभी थोड़ा सा सॉफ्ट प्रूनिंग इसको कर दे। तो जितना नया ब्रांच होगा उतना आपके फ्लावर्स होगा। हाँ, कभी कभी होता है नर्सरी से आप प्लांट लाते हैं तो उसके ब्लूमिंग स्टॉप हो जाता है, क्योंकि नर्सरी में वो लोग बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और हम लोग वो अलग से एनवायरनमेंट में था और हमारे घर में अलग से एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा टाइम तो प्लांट को देना ही पड़ेगा आपको। कुछ प्लांट लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, 1-2 साल के बाद फ्लावर्स आते हैं कुछ प्लांट में। और ये मेरा ग्राउंड में लगा हुआ है, ये ग्राउंड में लगा हुआ प्लांट के लिए तो कोई केयर की ज़रूरत ही नहीं होता है, बिकॉज सॉइल से अपने आप ही जितना न्यूट्रिशन प्लांट को ज़रूरत है वो प्लांट को मिल जाता है। तो हमारे पास जितना पॉट्स है, पॉट्स में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसका केयर ही हमको ज़्यादा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये सब टिप्स अब अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके एक्जोरा में ज़रूर ब्लूमिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय, टेक केयर।